हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार यूट्यूब चैनल जीवन मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करता हूँ। सीआरपीएफ एचसीएम टाइपिंग के 5 वीडियो इस चैनल पर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, उसी की क्रम में ये आज का 6वां वीडियो है। दोस्तों, पिछले सभी वीडियो में बताए गए निर्देशों के अनुसार अगर आपने अंग्रेजी टाइपिंग की ठीक तरह से प्रैक्टिस की है तो अब तक आपको कीबोर्ड के सभी लेटर्स याद हो गए होंगे। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले सीआरपीएफ एचसीएम इंग्लिश टाइपिंग के अपलोड किए गए 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसी चैनल पर उपलब्ध प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर सीआरपीएफ एचसीएम टाइपिंग नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसी प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के इंग्लिश टाइपिंग के 5 वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर आप बिल्कुल शुरुआत से day 1 से इंग्लिश टाइपिंग करना शुरू कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को रोककर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसके बाद के टाइपिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एचसीएम की तैयारी कर रहे अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये वीडियो न सिर्फ सीआरपीएफ एचसीएम बल्कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस एचसीएम, आईटीबीपी एचसीएम, एसएसबी एचसीएम और अन्य किसी भी वैकेंसी जहां इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाती है उसकी टाइपिंग परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वर्ड ऑफ 6 लेटर्स, आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको अब आगे प्रैक्टिस क्या करना है। तो ये वर्ड ऑफ 6 लेटर की जो एक्सरसाइज दी गई है, आपको प्रत्येक वर्ड को आपको 20 से 25 टाइम्स इनकी प्रैक्टिस करनी है। ईच वर्ड की पूरा पैरा प्रिंट से लेके फॉलन तक, इसको आपको ईच वर्ड को 25 टाइम या 20 टाइम मैक्सिमम कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप एक एक वर्ड की 25 लाइन में प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद आपको पूरे पैरा की 20 टाइम प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये समझ लीजिए, जितने मैं ये वर्ड ऑफ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ ये आप करना है। जैसे आप लोगों कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। देखिए, यकायक स्पीड नहीं बढ़ती है कि आप सोचो कि आप 4 घंटे बैठ के टाइपिंग कर लोगे और एकदम से 4 घंटे में आपकी स्पीड 10 से एकदम से 40 से पहुँच जाएगी। नहीं, थोड़ा समय लगता है, स्किल में थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, धैर्य के साथ आप टाइपिंग कीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अगर एक भी वीडियो मिस किए होगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर आप पूरे वीडियो एक तरफ से देखोगे और ध्यान से सुनना, ध्यान से देख के सुन के समझ के दिए गए डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो इस सीरीज के ख़त्म होने तक आपकी स्पीड 45 से 50 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको इस पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद ये नीचे देखिए, इसके बाद वर्ड ऑफ 7 लेटर्स, जैसे मैंने उसमें बताया वैसे ही आपको इस एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करनी है। ईच लेटर की 25 टाइम प्रैक्टिस करनी है पूरे पैरा की। जैसे ड्रिंकर को 25 लाइन टाइपिंग करना है, मतलब आपका एक ड्रिंकर लिखोगे तो एक आपका एम एस ऑफिस वर्ड की जो फाइल होगी उसका पूरा एक पेज जो सामने आपकी स्क्रीन पर शो करता है वो पूरा पेज आपका भर जाएगा ड्रिंकर से ही। ऐसे इंक्वायरी, पिकॉक, सर्टिफाई, बटन्स, ये सारे जितने भी वर्ड हैं इन सभी वर्डों को आपको 25-25 लाइनों में टाइप करना है। ठीक है, जैसे ड्रिंकर 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 आ रहा तो एक लाइन पूरी हो गई, ऐसे 25 लाइन आप टाइप करोगे पूरा पैरा जब हो जाएगा आपका आखिरी तक। इसके बाद पूरे पैरा को आप ड्रिंकर, इंक्वायरी, पीकॉक इस फॉर्मेट में जैसा आपका ये शो कर रहा है स्क्रीन पर, इसी फॉर्मेट में आपको अब इसको 25 टाइम करना है। मतलब आप एक एक वर्ड को पहले आपने 25 लाइन टाइप किया, आप पूरे पैरा को 25 बार टाइप करना, जैसे ड्रिंकर, इंक्वायरी, फिर ऐसे टाइप करना। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद आ जाइए। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा, और इस वीडियो को आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम आपको मान लीजिए 5 से 6 दिन लग जाएंगे आपको टाइपिंग करने में, समझ रहे हैं। आप इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आपका अप्रैल में स्किल टेस्ट होगा तो आप 100% सॉलिड तैयारी कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा कैसे स्पीड नहीं बढ़ रही, लेकिन आप बस करते जाइए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। ठीक है, अ वर्ड ऑफ 8 लीटर, ऐसे जैसे पहले बताया वैसे ही आपकी इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अप्रोच, इकोनॉमिक्स, प्रत्येक वर्ड को आपको 25 लाइन प्रैक्टिस करना है। इसके बाद पूरे पैरा को 25 टाइम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड ऑफ 9 लेटर, इन सभी वर्ड को आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है जैसा बताया मैंने। ठीक है, प्रत्येक वर्ड को 25 बार और पूरे पैरा को
25 बार, ठीक है। ऐसे ही वर्ड ऑफ 10 लेटर्स, ये जितने वर्ड हैं इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मैंने ये वर्ड ऑफ 10 लेटर है, ये सभी को आपको उसी उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप अपना दिमाग बिल्कुल भी ना खर्च कीजिएगा, आपको सिर्फ जितना बता रहा हूँ आपको सुनना है, समझना है और उसको फॉलो करते जाना है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखना है। धैर्य रखोगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन, आप अगर रिटेन में अच्छा स्कोर करोगे तो आप दिल्ली पुलिस का तो मान लीजिए आप, पता नहीं आपका नंबर आया नहीं आया, CISF HCM, BSF HCM, CRPF HCM और ITBP का भी एग्जाम लगा हुआ है, इसके बाद SSB HCM, इन सब में आप स्किल क्वालिफाई करोगे, टाइपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस धैर्य रखिएगा, धैर्य के साथ लगा रहिएगा। एक ये एक इशू और आता है कि कई जगह बीच बीच में आप लोगों के अदर एग्जाम आ जाते हैं, तो आपके अदर एग्जाम आ जाते हैं, देखिए जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन तो एग्जाम दे आइएगा, लेकिन किसी एग्जाम के चक्कर में आप अपनी इस टाइपिंग स्किल को बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिएगा। स्किल को चाहे आप 1 घंटा दीजिएगा लेकिन रेगुलर रखिएगा। 1 घंटे आप जिस तरीके से अपने दैनिक दिनचर्या रखते हो कि कुछ दिन के नाना खोना, खाना सोना, ये सब काम डेली करते हो, भूलते तो नहीं हो, ऐसे ही टाइपिंग आप इसको रेगुलर देना। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट कोई भी एग्जाम लगा हो, आपको 1 घंटा तो रेगुलर टाइपिंग को देना। ये नहीं कि कोई एग्जाम लगा है, किसी का मेंस लगा है, कुछ भी लगा है तो आप टाइपिंग को बिल्कुल 10-15 दिन के लिए इग्नोर कर दो, फिर इसके बाद बंद कर दो और उसकी तैयारी करने लगो, फिर 15 दिन बाद आओ फिर टाइपिंग चालू करो तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे, समझ गए। इसलिए कंटिन्यू जरूर रखिएगा, चाहे आधा घंटा 1 घंटा रखिएगा। ये आपने 10 वर्ड्स वाले लेटर प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे ही वर्ड ऑफ 11 लेटर्स इस एक्सरसाइज की भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। और इन सभी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, इन सभी की धैर्य के साथ एकदम आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब गलती से भी इतनी स्पीड में हाथ ना चलाइएगा कि आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करने लगो, मतलब कि CONTROLLING है तो इसको मतलब धीरे धीरे 25 बार, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2-3 बार में तो स्पेलिंग बीच में एक आगे पीछे हो जाएंगी, तो इसलिए धीरे धीरे टाइप कीजिएगा, इस पर हाथ आपका सेट हो जाएगा। अगर बीच में टेस्ट के दौरान इनमें से कोई शब्द आता है तो आप स्पीड में नहीं टाइप कर पाओगे, फिर एक एक वर्ड लेटर टाइप देख के टाइप करोगे, इसी में स्पीड चली जाती है और इतना करने के बाद भी वर्ड गलत हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ 25 टाइम से ज़्यादा ही करना है, कम नहीं करना है, ठीक है। उसी तरीके से करना है कि 1 लीटर की 25 बार प्रैक्टिस करोगे, फिर पूरे पैरा की 25 बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऐसे ही वर्ड ऑफ 12 लेटर, ये सारे शब्द, ये सारे वर्ड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको इग्नोर जरा सा भी नहीं करना है। जितना मैं बता रहा हूँ इनको इग्नोर करके आप ऐसा ना करना कि सीधे कीबोर्ड प्रैक्टिस करके सीधे मैटर पे कूद पड़ो और मैटर करने लगो कि हो सकता है मैटर में आपकी स्पीड भी 40-50 आने लगे, लेकिन जब बेटा टेस्ट देने जाओगे ना तब मेरी ये बात और ये वीडियो में कही गई सारे बातें याद आएंगी आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जितना बता रहा हूँ धैर्य के साथ कीजिएगा। अब ये 12 वर्ड वाली लेटर की आपकी यहाँ से एक्सरसाइज खत्म हो गई, इतना आप एक्सरसाइज कर लोगे प्रैक्टिस, इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। इतना आप प्रैक्टिस करोगे कम से कम 5 से 6 दिन आपको आराम से लग जाएंगे, और इतना समय लेना है आपको कम से कम 5 से 6 दिन। अगर मान लीजिए मैंने ये 6 एक्सरसाइज बताई है तो एक एक्सरसाइज को आपको कम से कम 1 दिन देना है, चाहे वो एक एक्सरसाइज आप 2 घंटे में कर ले रहे हो तो फिर वापस उसको फिर से रिपीट कर देना, मतलब एक एक्सरसाइज को 1 दिन कम से कम करना ही करना है, मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ गए। इतना करना है, इतना बता रहा हूँ कि धैर्य के साथ कीजिएगा। बार बार मैं धैर्य इसलिए कह रहा हूँ कि पेशेंस कई लोग खो देते हैं, ठीक है। अदर जगह में माइंड डाइवर्ट करके दूसरी तैयारी में लग जाते हैं और स्किल को बोलते हैं 10 दिन बाद फिर से चालू कर देंगे। 10 दिन बाद जब करोगे ना तो आप बिल्कुल 0 पोजीशन पर पहुंच जाओगे जो फर्स्ट डे में थे आप, बिल्कुल ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और कंटिन्यू रखोगे तो फिर आपका उसका रिजल्ट अलग ही शो करेगा, और स्किल में आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके आगे क्या करना है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो लोग HCM की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका CGL का एग्जाम लगा है, टाइपिंग टेस्ट लगा है, तो उसके लिए भी ये टाइपिंग आपकी यही हेल्प करेगी, ठीक है। अगर किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में भी आपका इंग्लिश टाइपिंग का एग्जाम लगा, ये वीडियो सिर्फ CRPF HCM के लिए नहीं है, CISF BSF, दिल्ली पुलिस, CGL, CHSL सबकी टाइपिंग इसी से कंप्लीट हो जाएगी आपकी इंग्लिश की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में, ठीक है वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लिया करो यार, देख लेते हो, इसमें कंजूसी ना किया करो। चलिए।